आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे हम अपने जीवन में आसपास के वातावरण से किस प्रकार बिना प्रभावित हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं या जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आज बहुत अलग तरीके से हम बात करने वाले हैं, बहुत सिंपल बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे उदाहरण से इस चीज़ को समझेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है लोगों की बातों का, क्या फ़र्क पड़ता है अपनी खुद की बात का, क्या फ़र्क पड़ता है अपनी सोच का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दो दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे, बहुत ही साथ रहने वाले थे, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती मजाक करते थे, बहुत ही अपनापन उन दोनों में था। और एक की उम्र जो थी वो करीब आपकी 12 साल थी और एक की जो उम्र थी वो करीब 8 साल की थी। ये दोनों दोस्त जो है वो अपने गाँव में आराम से खेलते कूदते खूब खुश रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा गांव से थोड़ा बाहर जाके मस्ती मजाक करते हैं, तो इस तरह से वो घूमने चले गए। जब वो घूमने चले गए तो घूमने जाते 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 अचानक बड़ा वाला जो बच्चा था वो कुएं में गिर गया। जब वो बड़ा बच्चा कुएं में गिरा तो अचानक से छोटा वाला बच्चा बड़ा परेशान हो गया, एकदम हतप्रभ रह गया। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। उसे सामने एक बाल्टी दिखी, उस बाल्टी को उसने तुरंत जो है वो कुएं के अंदर डाल दिया। कुएं के अंदर डालने के बाद उसने बहुत मुश्किलों से बहुत कोशिश करके जैसे तैसे उसने उसको खींचा और वो बड़ा वाला बच्चा जो है वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद दोनों बच्चे बहुत घबरा गए कि जब हम ये माँ बाप को बताएंगे तो हमें डांटेंगे, पिटाई लगाएंगे। लेकिन क्या करें, पेरेंट्स से कोई भी बात छुपाना गलत होता है, ये बात उनके भी दिमाग में थी। तो घर जाके उन्होंने अपनी ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, अपने आसपास के पड़ोसियों को बताई। लेकिन जब ये बात उन्होंने उनको बताई तो वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनके पड़ोसी ने उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं किया, उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। अनसुना करने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि ये बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। तब उन्होंने पेरेंट्स से पूछा कि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है? तो पेरेंट्स ने कहा कि यकीन क्या, वो छोटा बच्चा एक बाल्टी उठा नहीं सकता तो वो तुम्हें क्या खींचेगा कुएं से, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, कहानी बना रहे हो। पूरे गांव के अंदर ये बात फैल गई, किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि उस छोटे बच्चे ने उस बड़े बच्चे को बचाया होगा। एक बुजुर्ग उस गांव में, एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया। उन बुजुर्ग को सब कबीर चाचा कहते थे। सब लोग कबीर चाचा के पास पहुंचे, सबने कहा कि कबीर चाचा कि ये जो बोल रहे हैं क्या आपको यकीन है? कबीर चाचा ने हाँ यकीन है। अब चूंकि कबीर चाचा बहुत बुजुर्ग थे और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, उनका भरोसा सभी गांव वालों को होता था कि यार ये जो सोच रहे हैं या कह रहे हैं ये सही होगा। तो सबने पूछा कि आपको कैसे लगता है कि इसने ऐसा किया होगा? कबीर चाचा ने कहा कैसे लगता है कि बच्चा कह रहा है, उसने किया है तो उस पर विश्वास है, वो कह रहा है तो हुआ होगा। बात यहां पर ये नहीं है कि उस बच्चे ने ये कैसे किया, बात ये नहीं है कि ये क्यों किया, बात ये नहीं है कि वो कर पाया था या नहीं कर पाया था, बात ये नहीं है कि वो आगे कर पाएगा। बात यहां पर समझने की है कि उसने वहां पर ऐसा क्यों किया, उस समय उसने क्यों किया ऐसा, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि इसे बचाना है और उसे किसी भी कीमत पर बचाना है। और उसके आसपास ऐसे कोई भी लोग दूर दूर तक नहीं थे जो उसे ये कह दें कि ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम छोटे हो, तुम एक पानी से भरी हुई बाल्टी नहीं उठा सकते, तुम क्या उसको कुएं में से निकालोगे। ये बात उसे कोई कहने वाला नहीं था, यहां तक कि वो खुद भी नहीं था कि वो ये सोच सके कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इतना सोचने का भी समय नहीं मिला। उसने जब देखा उसका प्यारा दोस्त पानी में गिरा हुआ है तो सिर्फ उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि उसे बचाना है, इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं था। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे ये करना है तो फिर सिर्फ वो काम करने पर ही आपका दिमाग लगना चाहिए और वो काम अपने आप हो जाता है। अगर हम सिर्फ उस काम को करने के बारे में सोचते रहेंगे और करने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो वो काम कभी सफल नहीं होगा। या उस काम के बारे में पहले सलाह लेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्या मैं करूँ, नहीं तो आपको भी पता है जब भी हम कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास के लोग सब आके बोलते हैं पहले से ही, अरे ये काम तू कैसे करेगा, तू ये कर पाएगा ही नहीं, तुझसे होगा ही नहीं, आज तक ये किसी ने नहीं किया, तू कैसे कर सकता है।
तो ये जो सोच होती है, इस सोच का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। हमारे उस जीवन में उस सोच से जो परिवर्तन आता है, वही परिवर्तन हमारी असफलता पर परिवर्तित हो जाता है। हमें अपनी दो चीज़ों को हटाना पड़ेगा, अपने आसपास के ऐसे लोगों की सोच से हमें दूर रहना है, प्लस अपने खुद की भी ऐसी नेगेटिव सोच से हमें बचना है। क्योंकि अगर आपने सोचा कि आप ये कर सकते हैं, तो निश्चित मानिए कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वो काम सिर्फ आपको करना है और आप अपना पोटेंशियल जानते हैं। आपको तय करना है कि ये काम आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये काम करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी ऐसे लोगों की बात हमें नहीं सुननी है जो आपको ये कहें कि तुम ये नहीं कर सकते। हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि अपने खुद के भरोसे की जीत जरूर होती है।